दोस्तों वेलकम टू स्टडी एट्यू। ये स्टडी एक नोटिफिकेशन आया है कि रेलवे की जो एप्लीकेशन हम लोग किए थे, चाहे वो ग्रुप डी वाले पोस्ट हो या एप्ली और एएलपी टेक्नीशियन वाले पोस्ट हो, हर पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, इसलिए रेलवे ने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला रहा था वो कम्प्लीट कर चुका है और अभी वो स्टेटस शो कर रहा है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। तो पहले आप किसी भी एक रेलवे वेबसाइट में चले जाइए, जैसे मैं आरआरबी कोलकाता वाला ये वेबसाइट ले लेते हैं। तो आरआरबी कोलकाता वाला ये है ऑफिशियल वेबसाइट। अब ऑफिशियल वेबसाइट में क्लिक करने के बाद देखिए नीचे ये सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2 और सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1 दिया हुआ है। अब इसमें एक नोटिफिकेशन आया है, द एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड अगेंस्ट सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2018 हैज़ बीन अपडेटेड, क्लिक ऑन द एप्लीकेशन स्टेटस लिंक अवेलेबल अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव नोटिफिकेशन, द लिंक शैल बी लाइव फ्रॉम 12 आवर्स ऑफ 11/7/2018, यानी 11 तारीख से 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे 20/7/2018 तक ये अवेलेबल है। आप चाहे तो किसी भी टाइम ये एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2018 की ये स्टेटस क्या है। मैंने क्लिक किया, देखिए ये हो गया सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2018 रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन वाले पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे शो कर रहा है आपका सिलेक्ट अप्लाइड स्टेट। अब अप्लाइड स्टेट में देखिए जो हम लोगों का 29 स्टेट है वो स्टेट दी गया है और एक आधा स्टेट भी दी गया है स्पेशल केस के लिए। तो आप किसी भी बोर्ड से या कहीं भी अप्लाई किए हो वैसा नहीं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी को क्लिक करें, आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार से क्लिक करें, तो जैसे भी आप जहां पे भी आप बिलोंग करते हो उस स्टेट को आप क्लिक कीजिए। तो चलिए आरआरबी कोलकाता के लिए मैं वेस्ट बंगाल क्लिक किया। आप वेस्ट बंगाल में जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी कोड मांग रहा है। तो चलिए मैं एक ऐसे ही, मेरे पास एक है वो एएलपी टेक्नीशियन वालों के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह, तो हम दे देते हैं। याद रखिए रजिस्ट्रेशन आईडी और लॉगिन आईडी सेम चीज़ है, कहे कि आपके पास जो मेल आएगा एएलपी टेक्नीशियन वाले के, जो प्रीवियस मेल आया था उसमें लॉगिन आईडी करके दिया हुआ था, तो लॉगिन आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी सेम ही है। तो चलिए हम डाल देते हैं, फिर ये लॉगिन बटन पे प्रेस कीजिए। तो देखिए ये आपका करंट स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन यहाँ पे दे दिया गया है। योर एप्लीकेशन इज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कीप विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबी फॉर फर्दर अपडेट्स। ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है, तो आप एलिजिबल है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और नेम भी दे दिया गया है, आप चाहे तो एप्लीकेशन प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फिर से आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट फिर से हम लॉगिन किए। अब यहाँ पे सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2 यानी कि जो ग्रुप डी वाले पोस्ट है, ग्रुप डी वाले पोस्ट के लिए यहाँ पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा। फिर से क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट लॉगिन शो कर रहा है। ये कैंडिडेट लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जिस आरआरबी से आप अप्लाई किए थे, ग्रुप डी वाला पोस्ट आप जिस आरआरबी से अप्लाई किए थे उस आरआरबी को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए 16 को आरआरबी दिया गया है। अब ये 16 आरआरबी में आप जिसमें अप्लाई किए थे उस आरआरबी को क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं रांची पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ये रांची आरआरबी हम क्लिक किए तो यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एंटर कैप्चा दिखा रहा है, टाइप कर दिए। अब फिर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन जैसे ही कर दिया देखिए करंट स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन दिखा रहा है, योर एप्लीकेशन इज प्रोफेशनली एक्सेप्टेड, कीप विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबी फॉर फर्दर अपडेट्स, यहाँ पे दे दिया गया है। आप चाहे तो इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पूरा के पूरा, आप चेक कर लीजिएगा। और अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम एक्सेप्टेड नहीं है, रिजेक्टेड हो रहा है, तो आप चाहे तो मेरे ऑफिशियल मेल में आप अपना डिटेल्स मेल कर सकते हैं, ताकि क्या प्रॉब्लम है और कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है आप, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। और अगर आप मेरे यूट्यूब में कमेंट भी करेंगे तो भी हम बोल सकते हैं। तो थैंक यू, स्टे ट्यून, स्टडी एट्यू।